की मौत। पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत आने की अनुमति। पाकिस्तान में आर्चनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को 250 हिंदुओं को वाघा बॉर्डर पर कई घंटों तक हिरासत में रखा। बुधवार को आई खबरों में यह कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण व आपराधिक घटनाओं के कारण कई हिंदू परिवार भारत में बसने की योजना बना रहे हैं। चलिए अब हम मौसम की खबरें जानते हैं। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा संभव है। पूर्वी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की के माध्यम वर्षा दर्ज को जा सकती है। शेष मैदानी इलाकों में भी एक दो स्थानों पर वर्षा या बौछारें गिरेंगी। दिन के तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। दिल्ली का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। जानते कुछ खेल की खबरें। लंदन ओलंपिक्स में भारत को 6 मेडल मिल चुके हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं विस्मय, जो अभी डीएवी स्कूल में है और मैं संजय मिश्रा से खेल के बाद अब वो मलन खट्टर से ओलंपिक्स खेल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। आपको कैसा लग रहा है कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत ने ओलंपिक में बहुत कठिन परिश्रम किया और इसकी वजह से ये 6 मेडल प्राप्त हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं, अगली बार भारत इससे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? जी, ये तो मेहनत पर निर्भर करता है, जितनी मेहनत देश करेगा वही फल मिल पाएगा। अच्छा, आप हॉकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत का मैच साउथ अफ्रीका के साथ हुआ ताकि वो अपने आखिरी स्थान से ऊपर ये है कि हॉकी में इंडिया ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा पा रही है अपना खेल और उसे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वह अगली बारी ओलंपिक में मेडल जीत सके। धन्यवाद विस्मय। अब हम आशमा की ओर चलेंगे, जो हमें बॉलीवुड की खबरें बताएंगे। अभी सलमान खान की नई मूवी रिलीज हुई एक था टाइगर, इस मूवी ने 2 दिन में 71.5 करोड़ कमाए हैं और अभी भाई